आहट, सरसराहट और खामोश आंखों में छुपा खौफ। वो मखलूक जो सुनती है, महसूस होती है, मगर सामने नहीं आती। वो दुनिया जो रात के अंधेरों में आबाद होती है। अल्लाह गरीब मनु फकरा। रात के सन्नाटों में अनदेखी मखलूक की तलाश। अंधेरों और वीरानियों में ये कैसा शो? माय गॉड, दुल्हा साहब आग लगी है बाहर। ये सब जानने के लिए देखिए प्रोग्राम आसिफ जदा। इस्लाम के नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आसिफ जदा। मैं हूँ मुशारे फारूकी। नाज़रीन, आज की जो लोकेशन है वो हमारे माशरे में जो अनफॉर्चुनेटली जो भी हमें फ़ोन आता है या केस आता है वो जादू का केस आता है कि हम पे कुछ ऐसे मसाइल हैं या जिन्नात का बसेरा है हमारे घर में, उससे ज़्यादा हमें जादू की कंप्लेंट्स आती हैं कि आए दिन खून की छींटों का नज़र आना, घरों में कुछ ऐसे निशानात का नज़र आना जो कि इंसान को डरा देते हैं। आज हम लाहौर के एक इलाके गुंजान आबाद इलाके में मौजूद हैं जहाँ पर हमें एक फैमिली ने बुलाया है और स्पेशल रिक्वेस्ट पर बुलाया है कि आज उनके ऊपर जो जादू का मसाइल है वो देखें, और उन्होंने रिक्वेस्ट भी की थी कि आमिर कादरी साहब को ख़ास तौर पे साथ लाया जाए। आमिर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि ये जादू का जो माशरे में बहुत ज़्यादा ये जो हर घर से हमें जब कंप्लेंट्स आती हैं वो यही सुनने को मिलती हैं कि फ़लाने ने हम पे जादू कर दिया या हमारे घर पे कुछ ऐसी मामलात हमें शक होते हैं। तो आमिर साहब आइएगा, आपसे भी जानते हैं। कैसे आमिर साहब, ठीक ठाक हैं? जी सलाम अलैकुम। वाईसलाम आमिर साहब, काफ़ी टाइम के बाद आपसे मुलाकात हुई है। जी जी, काफ़ी टाइम के बाद, बीच में रमज़ान में हम समझे कि बिल्कुल रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे थे। आमिर साहब, जो जादू के मसाइल हैं उसके हवाले से थोड़ा बताएं कि हमें माशरे में, अब जिस तरह के हम इलाके में अभी मौजूद हैं वहाँ पे ऐसे घर के अंदर इस तरह के मामलात का होना हम उनके ज़बानी भी सुनेंगे, तो आप क्या कहेंगे कि ये क्यों बढ़ता जा रहा है जादू? सर, पहली बात तो ये है कि जैसे आपने अभी बात की कि हमारा 2 से 2.5 माह के गैप पड़ा है। जी जी, वो गैप अब इसलिए पड़ा है कि आप भी मसरूफ़ थे, मैं भी अपने काम में मसरूफ़ था, मेरे जो प्रोग्राम चलते हैं उनमें उनमें मसरूफ़ था, वो काम कर रहे थे। तो ये जादू, मकसद कहने का ये है कि जितने भी हम काम कर रहे हैं ये जादू के वाले से, मसरूफियत यही नहीं है कि लोगों को, लोग परेशान थे, बुलवा रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि वाकई जादू है भी कि नहीं है। तो मैं इसी में मसरूफ़ था कि टाइम नहीं मिल रहा था, आउट ऑफ सिटी जा रहे थे, लाहौर में जा रहे थे, फैमिली से बुलवा रही थी, यही देखा जा रहा था हर घर में तकरीबन जादू 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 ही चल रहा है। इस मकसद यह है कि ये वो दौर जा रहा है कि समय खुद नहीं आ रही कि इतना जादू को लोगों के ऊपर चल रहा है, इतना टाइम लोगों को मिल रहा है कि लोग परेशान हो गए हैं, जैसे अभी यहाँ इन लोगों ने फैमिली ने बुलाया तो यही देखने के लिए। इसमें मोस्टली क्योंकि हम अमूमन जब जाते हैं तो वही बात होती है, कई लोगों का वहम भी होता है, कईयों का कुछ और मामला भी होते हैं, लेकिन मोस्टली होता है कि जादू उन पर नाज़िन होता है। आजकल जो जिस तरह ने बताया, जिस तरह दौर चल रहा है, हर बंदा इतना मसरूफ है, लेकिन कुछ लोग फिर भी मौजूद हैं कि जिन्होंने अगले का बुरा सोचना है और बुरा करना है। और मैं आपको एक बार बताऊं कि वहम की बात आपने की है कि मैंने भी अक्सर जिन फैमिलियों की तरफ जाते हैं ना, तो कोशिश ये होती है कि शायद कोई इनकी तरफ जब आए, हम आए वहम हो, वहम ही निकल आए। जी जी। लेकिन वहम किसी का नहीं, वो मामला तो सब के ऊपर ही जादू निकला, या मखलूक निकली है, बिल्कुल सही, या जादू, या दोनों ही निकले हैं। ठीक हो गया अमर साहब, आपका शुक्रिया। आज हम इंशाल्लाह दोबारा देखते हैं कि फैमिली में क्या मसाला है। नाज़िम, ये ज़्यादा बड़ा घर नहीं है, 2 रूम्स हैं, उस फैमिली की जानिब चलते हैं जिन मोहतरम ने हमें यहाँ पर बुलाया। वो काफ़ी देर से अमर साहब बीमार हैं और अब हम उन्हीं की तरफ चलते हैं, वो अंदर बैठे हैं, वो क्या कहते हैं उसके मुताबिक इंशाल्लाह चेक करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी नाज़िन, अभी हम उनके फैमिली के पास मौजूद हैं, इसकी ज़ुबानी सुनते हैं और देखते हैं कि क्या ऐसे मामला है। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम भाई। जी थोड़ा सा बताइएगा कि आपने हमें इनवाइट किया था, कब से ये मसाइल हैं और क्या क्या नज़र आता है? आपका प्रोग्राम देख रहे थे काफ़ी देर से जी, हमने आपको बुलाया, हमारे घर में भी थोड़ी सी परेशानी है। जी जी। अब तो ज़्यादा ही होगी, मेरे मियाँ बीमार है, घर में परेशानी। क्या नज़र आता है? बस वैसे ही, जैसे शोकेस से बर्तन बाहर से कोई गिरा देता है,
हाँ जी, तो नज़र नहीं आते, खड़ाक आता है जैसे शोर है। अच्छा, वैसे सीढ़ियों से कोई ऐसे उतरता है, पाँव का खड़ाक आता है, नजर कोई नहीं आता, नजर नहीं। अच्छा, आपने बताया था कि वो बाल नजर आते हैं, वो हाँ क्या जी, सुबह सुबह जैसे हम उठे तो ऐसे जैसे कटिंग वाले बाल होते हैं ना, ऐसे होते हैं सारे घर में, दोनों उधर भी होते हैं, इधर ज्यादा होते हैं। तो इधर गुच्छे की फॉर्म में होते हैं या छोटे छोटे? छोटे छोटे जैसे। अच्छा, मर्दाना बाल होते हैं? मर्दाना। अच्छा, मर्दाना है। हाँ जी। अच्छा, ऐसे जैसे फिर ये हाथ का निशान लगा हुआ है दीवारों पे। अच्छा, ऐसे भाई होता है, परेशान है। ठीक है, मियाँ भी मेरे ज्यादा बीमार रहते हैं। जी जी, तो आपसे भजन थोड़ा सा, आपकी काफी हेल्थ इश्यूज भी मुझे लग रहे हैं, तो ये कब से हैं? और ये तकरीबन कोई डेढ़ साल हो गया है। ठीक है, ये आँख का मसला को तकरीबन डेढ़ महीना हो गया। आँख भी खराब हुई है। हाँ जी। तो आपका प्रोग्राम देखा मैंने। जी जी। मैं क्या ये मालूम करूँ ये वाकई अल्लाह की तरफ से है या शैतानी कोई कुवत है? ठीक है, ठीक है, जिसकी वजह से मुझे परेशानी आई है। जी जी, सही है। मेडिकली आप चेक करवाते हैं तो उसमें आते हैं प्रॉब्लम्स, शुगर के अलावा भी कोई? हाँ जी। ठीक है, ठीक है, सही। वो दोनों चीज़ें आज देख लेंगे, क्योंकि आप बता रहे हैं कि 50 साल, कब से ये मसला? ये तकरीबन 24-25 साल हो गए। 24-25 साल। तो आपने भी कभी कुछ नज़र आया आपको? नहीं, मुझे नज़र नहीं आया। बका ये प्लेट टूटनी, ये खड़ाक आ जाना, ये ऐसे जैसे चुटकी नहीं बजती हैं ऐसे आ जाना। इधर मेरे वालद साहब सोते थे, फोत हो गए, कोई 5-6 साल हो गए, चारपाई से उठा के उसे नीचे गिरा दिए वालद साहब को। हाँ जी, आपके वालद साहब सोए हुए थे। हाँ, उनको किसी ने उठाया और नीचे नीचे वो इधर से भागे, उधर चले गए। उन्होंने कोई 15-20 दिन इस कमरे में आए ही नहीं, आए नहीं, मैंने सोना ही नहीं है इधर। फिर कौन आप सोते रहे इधर? नहीं, बस कोई भी नहीं सो रहा, कोई भी सो रहा था। अच्छा, आपके बच्चों को भी कभी कुछ महसूस हुआ है? नहीं, हमारे बच्चों को नहीं महसूस होता। आपको होता है ज़्यादा और वाइफ को? हाँ जी। ठीक है। अच्छा, बीमारियाँ जो थी वो पहले से थी या बाद में आई हैं? बीमारियाँ तकरीबन मुझे 10 साल हो गए, 12 साल हो गए शुगर हुई थी। उससे पहले थी बीमारियाँ, थोड़ी थोड़ी थी, चल रहा था मामला सारे। अब आगे जरा थोड़ा सा। तो आपको कैसे शक पड़ा है कि हमें जादू ही हुआ है या कुछ ऐसा? जैसे मैंने ये बताया प्लेट ठीक है, ये बालों का निकलना, हाथ का लगना, ठीक है, सही है, और छोटे छोटे ऐसे मामलात हैं। ठीक है, आपको शक आ गया कि जादू हो सकता मामला है? हमने सर क्लियर कराना, और आपका प्रोग्राम हमने देखा है। जी जी, देख के फैसला किया हमने, चेक कराना आया कि बात अल्लाह की तरफ से ही है। जी इंशाल्लाह, आमिर साहब आज प्रॉपर्ली देख लेंगे, हमारा काम है। और आमिर साहब, जो भी आपके साथ मसला होगा वो नज़र आ जाएगा, वो आपकी पूरी फैमिली देखेगी। थोड़ा सा मैं इस रूम में चाहूँगा थोड़ी देर हम थोड़ा टाइम स्पेंड करें, और फिर आमिर साहब आपका प्रोसीजर भी करते हैं थोड़ा सा। वो आमिर साहब ये है कि वो निशान भी देख लेते हैं जो दीवार पर आ रहे हैं, उसके अलावा थोड़ा हम घर को कोशिश करते हैं कि इस रूम को खाली कराया जाए। तो नाज़रीन, यहाँ पे वही मामलात हैं कि कुछ मेडिकल प्रॉब्लम भी है, लेकिन साथ साथ इन पे मामलात भी हैं। तो हम चाहेंगे वो जो, क्योंकि जादू में अमूमन आमिर साहब ये होता है कि स्पेसिफिकली इंसान पे प्रॉब्लम्स क्रिएट की जाती हैं, घर पे उस तरह का सेफ ज़्यादा माहौल नहीं होता, क्योंकि जो चीज़ें आती हैं इन पे चीज़ें छोड़ी गई हैं। ये देखेंगे हम। हाँ। कि ये जो इनको बीमारी है ये जादू की वजह से आएंगे? जी जी जी, किसी मखलूक की वजह से? हाँ। ये अल्लाह की तरफ से, बंदा जैसे अप डाउन तो चलता है ज़िंदगी में, बीमार भी होता है, ठीक भी होता है, खुशी भी है, गमी भी है, तो यही देखेंगे। तो इन्होंने स्पेशल हमें बुलवाया देखने के लिए। आपको किसी पर शक हो? नहीं, शक किसी पे, किसी पे नहीं, कोई ऐसा कोई सफाई वाली है, कोई ऐसा और गैर कोई फैमिली मेंबर? ठीक है, यानी कि मकसद शक दूर करने के लिए बोला बस। ठीक है नाज़रीन, हम आपको दोबारा इन्फॉर्म करते चलें, घर हम चेक कर लेते हैं, लेकिन इनके बकौल घर सेफ ज़्यादा नहीं है। इन पे जो मसाइल हैं, जादू का शक इनको ज़रूर है, जिसकी वजह से हम आमिर साहब को आज अपने साथ लेकर आए हैं, और देखते हैं कि इनका वहम है या अल्लाह की तरफ से जिन्होंने खुद बताया कोई प्रॉब्लम्स हैं, या इन पे वाकई जादू है। तो हम इस घर की थोड़ी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं, उसके बाद हम उस प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। आइए। EMF मैंने ऑन किए और
इसमें और भी थोड़ी सी रीडिंग है, ये देखें। हाँ, वो मैंने आपको आते हुए बताया था ना, कुछ मुझे हल्का सा महसूस हुआ है, वो चीज़ भी मुझे नज़र आई या समझ आई मुझे कि जो एक हर घर में आती है। ये इसको दिखाना जो नज़र ज़ूम कीजिएगा। हाँ, ये ज़्यादा होती जा रही है, आगे से बढ़ गई है। फीलिंग आई थी मुझे, लेकिन वो वाली फीलिंग नहीं आई थी कि जो बहुत है। जी जी, बैठते हैं हम भी, थोड़ा सा देखते हैं इधर काम है। अच्छा, जहाँ पे वो भाईचंद बैठे हुए थे ना, इधर यहाँ पे बैठे हुए, यहाँ पे रीडिंग फील हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या कोई हमारे अलावा यहाँ पे मौजूद है? आप एक काम करें, इसको ना थोड़ा सा उस साइड पे रखें, तकिए की वाली साइड पे। ठीक है, हाँ यहाँ ऐसे रखते हैं। हम यहाँ पे नुकसान पहुँचाने नहीं आए, ये कुछ आवाज़ें आ रही हैं ना चलने की। हाँ, जो है थोड़ा सीढ़ियाँ दिखाना, सीढ़ी दिखाना, जैसे उन्होंने पहले कहा था कि जैसे सीढ़ियों पर छात से सीढ़ियों से बच्चा भागता हुआ आता है, इस तरह खेलते की आवाज़ आई उधर से सीढ़ियों से, छात से जैसे मूव कर रहा है। हाँ, चल रहा है, कोई चल रहा है, ऊपर कोई भी नहीं है, ठक ठक की भी आवाज है, उसे मिलती जुलती है। क्या बगैर नुकसान पहुँचाए आप अपने होने का साहस दिला सकते हैं अगर यहाँ मौजूद हैं? हम नुकसान पहुँचाने नहीं आए, क्या हमारे होते हुए इस कमरे में कोई बर्तन गिरा सकते हैं? क्या अगर आप वाकई इधर मौजूद हैं, जैसे कि मिसेज ने कहा है कि हम सोए हुए थे तो बर्तन यहाँ से निकले दीवार पे लगे, टूट गया, टूटा, रीडिंग भी एकदम ज्यादा हो रही है। एक सेकंड, हम भी उठें जरा, थोड़ा उठें ये जगह को ना, इधर हैं आप भी बाहर आओ, जगह को थोड़ा हम चाहते हैं थोड़ा सा खाली छोड़ दें, इधर आप भी बाहर चल जाओ। क्या इस मीटर पे आप रीडिंग दे सकते हैं, सुई हिला सकते हैं? क्या अगर आप यहाँ पे हैं, हम आपके दोस्त हैं, हम नुकसान को जाने नहीं आए, क्या इस मीटर पे अगर आप इस कमरे में मौजूद हैं और अगर आपकी इजाज़त है तो इस मीटर की रीडिंग बढ़ा सकते हैं, सुई ऊपर कर सकते हैं? मैं दोबारा आपसे मुखातिब हूँ, क्या ये बर्तन को हिला सकते हैं, तोड़ सकते हैं बगैर नुकसान हो जाए, बगैर बात शोर आएगा? मैं आपके लिए बिल्कुल करीब हूँ, करीब हूँ, क्या इस मीटर की सुई को ऊपर कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, मौजूदगी दिखा सकते हैं अपनी? बहरहाल मामला नाज़िम हैं, आवाज़ें आ रही हैं, ये देखें, ये इधर है, जवेद 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 जल्दी, जवेद जवेद जवेद, ये दिखाएं दिखाएं दिखाएं, रीडिंग रीडिंग रीडिंग, फोकस करें। हाँ हाँ हाँ, ये दिखाओ, रीडिंग सेंटर में आ रही है, ये देखो, ओ माय गॉड, ये देखो, ये देखें सेंटर में, जैसे इधर कोई मखलूक मौजूद है। आप दिखाएं कुछ नहीं उधर, ये देखें सेंटर ऑफ द रीडिंग यहाँ पे आ रही है,
बहरहाल यहाँ पे मामला हैं और ज़रूर हैं। रीडिंग्स मौजूद हैं, ये देख सकते हैं घर में मौजूद हैं। अब आपको वो थोड़ा सा हाथ दिखाते हैं, जी रोलिंग हाँ क्यों, ये इस पर थोड़ा सा फोकस करें। रीडिंग सेंटर में आ चुकी है, ज़्यादा बढ़ गई है। और ओ ओ ओ माय गॉड, मैंने कहा था ना कि कुछ है इधर, ये दिखाएं जल्दी से। जुवेद मूव मूव, इधर आएँ, मूव इधर आएँ, इधर आएँ, बिल्कुल स्ट्रेट दिखाएं। ये देख सकते हैं आप, ओके आमिर भाई पहले कह रहा था वहाँ से काम शुरू हुआ जी, कम था वहाँ पे, मैंने जैसे मुखातिब होने शुरू किए, ये देखें जी जी, अब दीवार पे ना बिजली, इनका इनका हैंड कहाँ पे, हैंड उधर ही है, यही है जी, ये ये दिखाएं, ये फिंगर लगी है, 1 2 3 4 5, और ये हाथ पूरा भी नहीं है और उंगलियाँ, ये लेफ्ट हैंड लग रहा है मुझे, लेफ्ट हैंड है ये देखें, लेकिन उंगलियाँ बहुत पतली सी हैं और लंबी है, ये इंसानी उंगली नहीं है, ये इंसानी नहीं है, इंसानी नहीं उंगली, फोकस हुआ ये इंसानी उंगली नहीं है, दिखा दी आपने अमर भाई, पहले रीडिंग नहीं थी, हम रिकॉर्डिंग से पहले भी जी जी, मैं क्या आपको यही कह रहा था कि हाँ। जब आया ना मुझे फील हुआ, लेकिन वो हाँ। हैवी वाला मसला नहीं है, जरूर ये देखें, इसी एरिया के नीचे तो इंशाल्लाह हम देखने की कोशिश करेंगे, ये जो रीडिंग आ रही है ये कौन सी ऐसी मखलूक है, कौन सी ऐसी चीज़ है, वो जादू है या इनके वो मखलूक है, भजन जरा बात सुनेंगे, से उठा दिया जाएगा, आप आ जाए नहीं आप आ जाए, बेशक भाजी आप आ जाए, ये आपके सामने मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता हो ये रीडिंग्स आपके घर में मौजूद हैं, देख के जावेद, और पीछे उस कमरे में मैंने जब बात की तो उस टाइम कुछ नहीं था, अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बढ़ रही हैं, ये आप भी थोड़ा सा पीछे होइएगा, मैं दिखाता हूँ, अब यहाँ पर हमारे अलावा तो कुछ भी नहीं है ना, मतलब हाँ जो है, वहां से आ रही है, ये बिल्कुल करीब है, ये साथ है, बिल्कुल करीब है, समझेंगे यहाँ पे चीज वो मखलूक बस्ती है, इधर वो रह रही है, क्योंकि ये पोर्शन में इस साइड पे और इसकी साथ में ये सिंगल इंट है, सिंगल इंट है, सिंगल इंट है, ये देखिए इतना पोर्शन चल रहा है, अब हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे देखने की ये जो मखलूक है ये कौन सी है, ये बीप तब ही देता है जब वो मखलूक करीब आ जाए, और यहाँ पे अब लास्ट पे इवन के हम यहाँ पे पूरी फैमिली है नाजिम, इनके माशाल्लाह 2 बच्चे भी हैं अंदर, वो भाईजान भी बैठे हुए हैं, और ये अब ज़्यादा होते जा रहे हैं, ये फुल हो गई है, क्या हम यहाँ पे मौजूद हैं, वो जो कमरा हम खाली छोड़ कर आए हैं वहाँ पर कोई हलचल कर सकते हैं, कोई ग्लास वगैरह गिरा सकते हैं, नहीं गिराए देखना पड़ेगा ये कौन है, ये देखिए ऊपर कर तो बंद हो रहे हैं, हम उमन तीन से चार फुट हमें कंप्लेंट्स मिलती हैं, ये काफी सॉलिड प्रूफ है नाजिम, ये आप देख रहे हैं, दिखा रहे हैं, एक बार दिखा रहे हैं, हाँ जी देखते हैं, ये देखिए आप भी दिखा दें एक बार, आखिरी बार मैं चाह रहा हूँ, ये आप इसको आप बाजी आप चले जाएं, कोई ना जी, इसको फोकस कर लें एक बार, मैं खड़ा हूँ, मेरे साथ जो दूसरा वो ही ना चल रहा हो, मैं बोल अब ये देखें, दिस इज़ अनबिलीवेबल कि यहाँ पे कोई 6-7 लोग हैं उससे भी ज़्यादा, और ये रेटिंग्स दे रही हैं, ये बहुत सॉलिड प्रूफ है, बहरहाल ये आपके सामने था, अब
आमिर साहब प्रोसीजर की तरफ चलें, क्योंकि हमने अपना जो काम था वो तो देख लिया कि चीज मौजूद है। अब जादू भी चेक करें। हाँ, तो मसाइल हैं, बिल्कुल सही। आइए उनसे चलते हैं, उनको भी बुलाते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ नजर आता है यहाँ पे। आइए जी आमिर साहब, अब दूसरी बात है जी, आप बिस्मिल्लाह करें, दूसरी पढ़ने आप। जनाजे अभी आमिर साहब ने जो ये हाथ पे बॉक्स बनाया है, अक्सर लोग हमसे पूछते रहते हैं ये क्या, ऐसा बॉक्स में क्या होता है या क्या है। आमिर साहब थोड़ा ख़ुद भी बता दें, ये जो बॉक्स बनाया है इस पर क्या कुछ नज़र आएगा और क्या हो सकता है। अच्छा, ये जो बॉक्स बनाना है ये परमानेंट मार्कर है, ठीक है, आम मार्कर कहीं से भी मिल जाता है, उसे ये ब्लैक बॉक्स बनाया है, ठीक है, उसके ऊपर पढ़ाई हुई है, ठीक है, वो की है, ठीक है। अच्छा, इसमें ये नज़र आएगा कि जिसने भी, किसी ने अगर जादू किया है, ठीक है, तो अक्सर लोगों को नहीं पता जी किसने किया है, ठीक है भाई, ये कहते हैं कि आपके चीज़ है, कौन से, ये नहीं पता चलता। यहाँ पे ये नज़र आएगा कि जिसने जादू किया उसकी छवि बननी शुरू हो जाएगी, शक्ल बननी शुरू हो जाएगी, नमाया ऐसा था, कोशिश करें कि नमाया हो, बेहतर से बेहतर हो ताकि ये लोग पहचान लें। अगर जादू नहीं है तो फिर ऐसा कुछ नहीं है, फिर वो हम दूसरा ये चेक करेंगे, क्योंकि ऐसी महलूक तो नहीं है, अगर कोई महलूक हुई तो वो अपना आप दिखाएगी, वो तीन चीज तीन शक्लों में आकर दिखाती है, उल्लू, बिल्ली, कुत्ता या इस तरह के जानवर, या जो अल्लाह तआला ने ओरिजिनल शक्ल बनाई है उसकी, यहाँ पे वो अपना आप बताएगी कि मैं मौजूद हूँ। अगर कोई जादू वाला तो वो भी आगे बताएगा कि मैं आगे पहचान है उन्हें। जिस तरह हमने भी रीडिंग्स देख ली कि इस घर में मौजूद हैं, अब हर बंदा जो इस घर का अफराद है फर्द है उसको नजर आएंगी चीजें, तो बिस्मिल्लाह करते हैं और कोशिश करेंगे बाकी हमारे जितने व्यूअर देख रहे हैं उनको भी नजर आए। ये जरा जनाजे आप देखते हैं कि इनके हाथ पे क्या ऐसा जो इनके साथ मामला थे वो नज़र आते हैं या नहीं। बिस्मिल्लाह है मतलब जैसे कुछ नजर आए आपने उस टाइम बताना है, थोड़ा पास लाइए दस हजार मिनट से नजर नहीं आ, एक मिनट है। ये ऊपर राइट पे इतनी ड्रोनी शक्ल बन रही है यार, उफ।
मेरी बहन के आप बाजी में नजर आ रहे हैं, बहुत सख्त है, बहुत किस तरह की है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत रोनी है, खौफनाक सी है भैया। हां जी बहुत ज्यादा। कॉर्नर पे देखें राइट, ये जी 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 नजर, ये राइट साइड पे आप देख सकते हैं फुटेज पे कि एक बहुत ही जैसे कोई खौफनाक चुड़ैल जिन की शक्ल बन रही है, और उसके नीचे भी एक शक्ल बन रही है जैसे कोई बच्चा है या बच्चा लग रहा है छोटा। जी जी, ये देख सकते हैं आप नाज़रीन, ये ऊपर ऑन द राइट साइड काफी चीजें बन रही हैं, दो मखलूक बनती हुई नजर आ रही है। अच्छा, ये वो मखलूक है जो आपके साथ मौजूद है जिसने आपको डैमेज किया है, ये बीमारियां वगैरह लगी है इसीलिए लगाई है, ये अभी तक जोर से पकड़ा है, जोर से पकड़े रखिएगा भैया, मोबाइल पकड़ा हुआ। जी जी, इसको ना ये यहां पे रखना, ठीक है, क्लियर कट नजर आ रहा है। अच्छा, ये आप देख सकते हैं नाज़रीन के बकायदा ऑन द राइट साइड, ये वो मखलूक है जो आपके साथ है, आपके घर में है, जो बर्तन फेंकती है, जो सीढ़ियों से नीचे उतरती है, आपको बाहर आप देखने हैं। हां जी, वो नजर आ रहा है। हां जी, थोड़ा सा ऐसे कर, ऐसे। अच्छा, एक तो वो हो गई है नजर, वो उसके साथ और भी है। जी, वो नीचे भी एक है, अब और भी कुछ बन रहा है इस साइड। जी 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 जी, नीचे भी बन रहा है, थोड़ा पास लाएं, शक्ल चेंज हो गई है नीचे। जी भाई, क्या कह रहे हैं? तो ये चेंज हो गई है शक्ल, शक्ल चेंज हो गई है जी। अब किस तरह की हो गई है? अब ये भी ड्रोनी हो रही है, ये भी ड्रोनी है। जी जी, जिस तरह वो आवाज आई ऊपर से नहीं, वो अच्छा, जिस तरह वो डोगी वगैरह नहीं, कुत्ता वगैरह होता है, कुत्ते की शक्ल, कुत्ते की शक्ल में हो गई है ये, अपनी शक्लें चेंज कर रही है। अब बच्चा था लेकिन अब वो जानवर बन गया, अब जानवर बन गया जी। ये जिस तरह चूहा नहीं होता, अच्छा वैसे वैसे हो गया। अच्छा, नीचे देखे कुछ है? नहीं, उसके नीचे कुछ भी नहीं, जैसे नहीं नहीं उस तरह ही है बस। यहाँ देखे कुछ है, यहाँ अभी इस कॉर्नर पे चाहिए फोकस में जरा, ये देखिए ये कॉर्नर पे बन रहा है, यहाँ पे कुछ बन रहा है, ये कुछ बन रहा है, क्या लग रहा है? कुछ ड्रोन जानवर जैसा लग रहा है, ऐसे हाथ भी है, कुछ बन रही है, अब अभी बन रहा है। जी बन रहा है, इधर हम भी लाइट कीजिए, दोबारा लाइट कीजिए, ये तो वही चीज बनी हुई है। यहाँ भी हम नीचे कुछ देखें जरा, अब ये चेंज हो रही है नीचे इधर वाली, ये देखो ये नई शेप आई है ये। जी जी, वही मैं कह रहा हूँ, ये चेंज हो रही है, ये देखें। अच्छा, हमें सब मखलूकात ज्यादा आ रही हैं। जी जी, सारी कोई इंसान अभी तक नहीं आ रहा, नहीं ये देखो, ये देखो, जी जी, ये जैसे भेड़िया, ये भेड़िया, हाँ जी ये भेड़िया, सब बहुत ही, एक आंख कोई और होगी, एक आंख कोई होगी, इसके अलावा तो कुछ नहीं और? नहीं नहीं, बहुत क्लियर है भाई, ये तो मेरी बहन, ये भेड़िया तो बहुत क्लियर है। जी जी, ये ऊपर भी, ऊपर भी है। जी जी जी, जी नाज़रीन, अभी जैसा का आपने सामने प्रोसीजर देखा, वो सारी फैमिली ने यहाँ पे हमारे साथ देखा, आप लोगों ने भी अपनी टेलीविज़न स्क्रीन्स पे देखा है, तो जो यहाँ पे घर के लोग हैं उनसे जानते हैं कि क्या ऐसे चीज़ें नज़र आई। बाजी, आपने हम सब देख रहे थे, तो थोड़ा सा वजाहत करें, क्या कुछ आपने देखा है उसमें? पहले एक ड्रोनी सी शक्ल आई है, फिर उसके बाद नीचे बच्चा था, बच्चा भी आया था, बच्चा भी आया था, फिर उसके बाद वो जानवर बन गया भेड़िया, फिर वो कुत्ता बन गया, ऐसे करके वो मुख्तलिफ शक्ल अख्तियार करता रहा। आपने भी बाजी इसी तरह ही? हाँ जी, सारी चीजें मामला देखी, ये ड्रोनी सी शक्ल है, वो बच्चा है जी जी, और साथ में जैसे जैसे भेड़िया होता है, भेड़िया होता है। मैंने भी जिस तरह सबने जिस तरह बताया और वो सामने चीजें देखी है, आमिर साहब इस पे मैं थोड़ा बताता चलूँ, आपसे भी जानना है कि इन पे क्या जादू है, या जादू के ज़रिए चीज़ें भिजवाई हुई हैं, या इनके साथ मखलूकात हैं, ये तीनों चीज़ों को वजाहत कर दें। अच्छा,
इसमें ऐसा है कि यहाँ पे जादू नहीं है, सबसे पहली बात अच्छा। जादू नहीं है, जादू नहीं है, ठीक है। अगर जादू होता तो फिर कोई ना कोई इंसान आता, क्योंकि जादू हवा में नहीं हो जाता। अगर कोई जादू करवा के चीज़ें भिजवाता भी है ना, तो किसी बंदे ने भिजवाई होती है। वो बंदा कौन है वो सामने लेके आते हैं हम कि ये बंदा है, इसने भिजवाई है जादू के जरिए। तो ऐसा कोई बंदा नहीं है, तो जादू नहीं है आपके ऊपर, इनके ऊपर है मखलूक, मखलूक है, मखलूक है इस घर में, बहुत पुरानी है ये, कोई नई नहीं है। अच्छा। जैसे इन्होंने बताया कि 50 साल से हम इधर रह रहे हैं, ये तकरीबन 40-50 के दरमियान में ये इतना अर्सा हो गया इन चीज़ों को मखलूक के, जो इनके घर में मौजूद है। और ये जो आपकी हालत हुई है, जो हमारी इन्वेस्टिगेशन कह लें, हमारे तरीकाकार कह लें चेक करने का, उसमें ये आया कि ये जो आपकी आँख का मसला बना है, आपको जो बीमारियाँ लगी हैं वो इन चीज़ों ने ही लगाई हैं। तो हमें सब ये चलते फिरते हैं या कोई वहाँ से भी लग सकती हैं चीज़ें? नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, ठीक है। चलते फिरते नहीं लगती। अच्छा, हाँ। वो पुरानी जगह होती हैं जहाँ इंसान कोई जाए, कोई ऐसी गंदगी करे तो वहाँ से कोई, या कहीं से गुजर हुआ हो तो ऐसा गुजर होते हुए नहीं होते, सिर्फ बातें बनी है, गुजर होते हैं। आप सारी दुनिया घूमते हैं, ठीक है, पूरा पाकिस्तान घूमते हैं, तो आप चीजें फिर आपके साथ क्यों नहीं जुड़ जाती? ये सिर्फ एक बातें बनाई है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये आपके घर में मलूक है, बड़ी पुरानी है, जब से आप रह रहे हैं तब से है। जिस तरह हमने घर को इन्वेस्टिगेट किया नाज़िम, तो रीडिंग्स भी आई हैं, ठीक है, वो एक बहुत सॉलिड प्रूफ था। जब हमारा मीटर में रीडिंग्स आ रही तो इट मींस कि यहाँ मखलूकात मौजूद हैं, तो आपके साथ भी हैं। तो आमिर साहब, इनका फिर घर को वो करना पड़ेगा इलाज के हवाले से? इलाज असल में जब इनका इलाज होगा, ठीक है, तो पूरे घर का हो जाएगा, ठीक है। इनके साथ मखलूकात मशहूर हैं अब वो कैसे? जी जी, इनके साथ अटैच हैं, ठीक है, उनको पकड़ेंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, पकड़ेंगे निकालेंगे, ठीक है, तो सारी इकट्ठी हो जाएगी सब साथ। वो उनका वो क्या करना, वो करना वो प्रॉपर्ली प्रोसीजर होगा, आपकी जान छूट जाएगी। आपने सिर्फ एक काम करना है, आपने अल्लाह ताला से ये दुआ करनी है कि वसीला हम बन जाए इंशाल्लाह। मतलब किसी ने तो वसीला बनना है ना, अल्लाह ताला हमें वसीला बना दे अगर हम यहाँ आ गए। तो आमिर भाई, मैंने आपका प्रोग्राम देखा था, इसमें आपने वो खत्म कर दिया स्कूल में, जी जी, ठीक है, वो जी जी, उस वक्त से मेरा जहन बना था, मैंने आमिर भाई नहीं इंशाल्लाह ये और ये चीज़ें मैंने चेक करानी, वो आप आ गए, अल्लाह आपकी ज़िंदगी करे, ये हमारा मसला हल कर दे इंशाल्लाह। बस आपने दुआ करनी है, अल्लाह आपकी ज़िंदगी करे, बस आपने दुआ करनी है, अल्लाह पाक कार करेगा इंशाल्लाह, कोशिश हम करेंगे। मैंने वही पहले कहा ना कि दुआ करें, वसीला अल्लाह ताला हमें बना, थोड़ा सा जितना भी टाइम लगता है उसमें आमिर साहब के साथ कोऑपरेट कीजिएगा ताकि सारी चीज़ें हों। तो नाज़रीन, ये आपके सामने था आज की जो फैमिली ने हमें यहाँ पर इन्वाइट किया, तो सारे मामलात आप लोगों ने देखे, इनके साथ जो भी मामलात थे, जादू नहीं था, जो मखलूकात थी वो भी आमिर साहब ने बता दिया। तो आमिर साहब और फैमिली का डेफिनेटली कनेक्ट रहेंगे, और इंशाल्लाह आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि इनके लिए हेल्प आउट हो सके। तो हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप लोगों की स्क्रीन्स पे होती हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि हम लोग आमिर साहब के साथ आप लोगों की तरफ आएँ तो हमें आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। अगर आपके में भी कोई ऐसी जगह है जो समझते हैं कि वो सेफ ज़्यादा है तो मैं आप बुला सकते हैं। तो अभी तक के लिए टीम आसिफ ज़दा को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।